तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक किया था जो यहाँ तक तो हो गया ना ऑलरेडी पेज को तीन पेज बनाया था जैसे क्या क्या था उस फोल्डर को पहले ओपन कर लेते हैं एक बार हम लोग डॉक्स तो स्टूडेंट एम एस था इसमें हम लोगों का तीन फाइल हुआ था पी फाइल एक तो इंडेक्स फाइल लॉग फाइल और थर्ड एडमिन डैश फाइल ठीक है तो अभी यहाँ तक तो ये तो चल रहा है ठीक है ये मेरा होम पेज है होम पेज में क्या है कि आ, यहाँ पे होम पेज में अब अभी हम लोग कुछ कोडिंग नहीं करेंगे हम लोग करेंगे कोडिंग लॉगिन पेज के लिए एडमिन लॉगिन पेज के लिए एडमिन लॉगिन पेज में जब भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला जाए तब क्या होना चाहिए कि लॉगिन बटन में क्लिक करते ही एडमिन डैश वाला पेज ओपन होना चाहिए कुछ इस तरह का होना चाहिए ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अभी हम लोग को पी का कोडिंग करना पड़ेगा कौन सा पेज के लिए इस पेज के लिए लॉगिन पेज के लिए तो हम लोग लॉग पेज में जाएंगे ये लॉग पेज है ठीक है यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया डाटा बेस के साथ उसको कनेक्ट किया था उसके साथ अच्छा अभी ये तो लास्ट टाइम हो चुका है डाटा बेस डाटा बेस सर्वर के साथ जोड़ा उसके बाद डाटा बेस सर्वर में जो भी डाटा बेस है स्टूडेंट एमएस नाम से उसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया लास्ट टाइम हुआ था यहाँ तक एंड एक काम करते हैं हम लोग अच्छा ठीक है उसका नेक्स्ट अभी क्वेरी चलाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी क्या होगा जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डाला जाएगा यूज़र जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डालेगा ठीक है उसको कहाँ रखा गया यूज़र नेम रखा गया और पासवर्ड वेरिएबल पर उसको स्टोर कर दिया गया अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे ये यह दोनों को लेकर के क्वेरी चलाएंगे आ, एक माई स्क्वल डाटा बेस जो है डाटा बेस में हम लोग एक क्वेरी चलाएंगे एक सेकेंड रुको तो एक क्वेरी चलाएंगे हम लोग यहाँ पे क्वेरी किसे लिखना है जो भी क्वेरी चलाएंगे उस क्वेरी को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया समझ लो कुछ भी नाम दे सकते हो मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया क्यू यू ई आर वाई बट तुम कुछ भी वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो क्वेरी क्या होगा क्वेरी ये यह होगा यहाँ पे मैं अभी जो कमांड अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये माई स्क्ल में माई स्क्ल का मतलब डा, डाटा बेस के साथ डील करने का क्वेरी होगा ठीक है मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग मैं समझाऊंगा पहले मैं लिख लेता हूँ उसमें हम लोगों ने कौन सा टेबल बनाया था टेबल का नाम क्या था तो नहीं नहीं टेबल का नाम वो तो डाटा का नाम था ना एडमिन टेबल बनाया था एडमिन टेबल ना तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एडमिन फ्रॉम एडमिन वेर यूजर नेम फिर यूज़र नेम यूज़र नेम इक्वल डॉलर यूज़र नेम मतलब जो वहाँ पे आया समझ में आ रहा है ना यूज़र नेम इक्वल टू डॉलर मैं समझाऊंगा पहले मैं लिख लूँ उसके बाद एंड पासवर्ड इक्वल्स डॉलर पासवर्ड अच्छा यहाँ पे यहाँ पे ये यह जो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट मैं पहले उस टेबल को टेबल का मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे लास्ट टाइम तुम तो लोगों को मैंने दिखाया था वो टेबल कहाँ होगा पी एच पी माई एडमिन में ठीक है That is वन ट्वेंटी सेवन जीरो जीरो में जाएंगे तो ये था हम लोग का डाटा बेस स्टूडेंट एम एस ठीक है इसके अंदर एडमिन नाम का एक टेबल था उस एडमिन टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे क्या क्या फील्ड था वहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके देखो वहाँ पे एक यूज़र नेम फील्ड कॉलम था और एक पासवर्ड कॉलम था तो वही एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड ठीक है सिलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल सेलेक्ट ऑल इसका मतलब क्या है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन मतलब एडमिन टेबुल सेलेक्ट करो सब कुछ क्या सब जिस जहाँ पे जिसका यूजर नेम ये यूजर नेम हो और पासवर्ड ये पासवर्ड हो को समझ में आ रहा है इस टेबल में जो भी रोज है अभी तो रो कुछ है नहीं यहां पे जो भी रो है उसको सिलेक्ट करो ऑल रो को सिलेक्ट करो जिसका यूजर नेम यूजर का मतलब यहां पे दिया हुआ यूजर नेम और यहां पे दिया हुआ पासवर्ड से पासवर्ड के साथ मैच कर रहा हो वो सब रो को सिलेक्ट करो ठीक तो है तो वही इसका मीनिंग है समझ में आ रहा है ना सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस इसका मतलब समझ में आ रहा है तो अगर मैच करता है अगर मैच करता है यूजर नेम पासवर्ड तो अगर वहाँ पे कुछ इस तरह का एंट्री है यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच करने का तो वो रो वहाँ पे उठ वहाँ वहाँ से उठ के आएगा और वो कहाँ स्टोर होगा आके डॉलर क्वेरी वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा ठीक है मतलब समझ लो अभी यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं है टेबल में अभी मैं कुछ टेबल में समझ लो कि यहाँ पर जो ये टेबल है आ, आ, इस टेबल में मैं काम करता हूँ कहाँ गया ये इंसर्ट करता हूँ कुछ वैल्यू ठीक है जैसे मैंने आ, 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 ये तो हो गया आईडी के लिए अच्छा टेबल में कुछ वैल्यू एंट्री करता हूँ मैं वैल्यू में आईडी दूंगा सबसे पहले वन यूजर नेम मैंने दे दिया एडमिन और पासवर्ड भी मैंने क्या दिया पासवर्ड भी मैंने सेम ही रखा समझ लो एडमिन वन टू तो थ्री ठीक है तो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दिया मैं दो वैल्यू इंसर्ट करता हूँ आईडी टू करता हूँ यहाँ पे और मैं यूज़र नेम मैं करता हूँ सपोज डाटा कॉम ठीक है और पासवर्ड डाटा कॉम वन टू थ्री ठीक है ना एक वैल्यू इंसर्ट किया ओहो मैंने उसको सेव नहीं किया तो सॉरी और मुझे अभी सिर ब्रोज करके देखो यहाँ पे अभी कितना है ये दो दो रिकॉर्ड आ चुका है ना एक एडमिन दूसरा पासवर्ड एडमिन वन टू थ्री और डाटा कॉम पासवर्ड क्या है डाटा कॉम वन टू थ्री ठीक है ना अच्छा तो मतलब वही बात है कि कि यहाँ पे यूज़र जो भी यहाँ पे यूज़र जो भी एंट्री करेगा उसको चेक करना है एडमिन टेबल में जाके अगर मैच हो रहा है तो कोई भी अगर रो मैच हो रहा है उसके साथ तो उसको उठा के लाओ ठीक है क्लियर तो ये क्वेरी भरीवुल में आ जाएगा अगर कुछ मैच होता है तो एंड अच्छा उसके बाद क्या करेंगे अभी हम लोग एक बार इसको मैं एक बार इसको मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ जस्ट वेट इको नहीं यहाँ पे नहीं होगा मैं अलग से दिखाऊंगा। अच्छा अगला स्टेप क्या होगा ये तो क्वेरी अभी मैंने जस्ट लिखा है लेकिन क्वेरी ये जो क्वेरी मैंने लिखा है यहाँ पे ये क्वेरी डाटाबेस में जाके रन होना पड़ेगा अभी तक रन हुआ नहीं रन होगा नहीं जब तक मैं और एक कमांड नहीं चलाऊँगा तो डाटाबेस में इस क्वेरी को रन कराने के लिए मैं मुझे लिखना होगा मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा फंक्शन का नाम हो गया माए स्क्वेल अंडर स्कोर क्वेरी और उसमें इस क्वेरी वेरिएबल को पास कर देंगे क्वेरी क्या होगा क्वेरी होगा ये Q U E R Y ठीक है मतलब क्या है कि इस फंक्शन से ये जो मैंने फंक्शन अभी यूज़ किया माए स्क्ल अंडर क्वेरी इससे क्या होगा ये जो क्वेरी क्वेरी कौन सा ये वाला जो कि क्वेरी वेरिएबल में स्टोर है ये क्वेरी को लेकर के माया स्कूल अंडर स्कोर क्वेरी फंक्शन वहाँ पर डाटाबेस में इसको रन करेगा जाके तो जब रन करेगा यहाँ पे रन नहीं होता यहाँ पे जब मैंने क्वेरी को लिखा है इसमें क्या होगा रन होगा और रन होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा रन होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे सॉरी मैंने पहले गलत बोला था यहाँ पे रिजल्ट स्टोर नहीं होगा यहाँ पे जब क्वेरी को स्टोर किया गया है क्वेरी को रन किया जाएगा इस फंक्शन के मदद से और रन होने के बाद जो भी वहां पे रिकॉर्ड होगा उसको उठा के कहाँ रखा जाएगा डॉलर रन वेरिएबल पे रखा जाएगा ठीक है ना तो रन वेरिएबल पे क्या है अभी कुछ रिकॉर्ड आके एंट्री हुआ है अगर सही से मिला तो वहाँ पर आके स्टोर होगा लेकिन वो जो रिकॉर्ड आएगा वो सिंगल वैल्यू नहीं है वहाँ पर यूज़र नेम भी है पासवर्ड भी है वहाँ पर रो के हिसाब से अभी रान जो वेरिएबल है वहाँ पर रिकॉर्ड कैसे है एक रो के हिसाब से है तो अभी हम लोग को ये चेक करना है रन वेरिएबल में एक रिकॉर्ड उठ के आया मतलब एक रो आया अगर दो रिकॉर्ड उठ के आया मतलब दो रो आया तीन रिकॉर्ड उठ के आया मतलब तीन रो आया ठीक है ना समझ में तो समझ लो अगर किसी ने गलत यूजर नेम पासवर्ड डाला यहां पे यहां पे समझ लो किसी ने गलत यूजर नेम पासवर्ड डाला वो जाके रन होगा डाटा में डाटा में चेक होगा मैच हो रहा है कि नहीं यूजर नेम के साथ यूजर नेम और पासवर्ड के पासवर्ड अगर मैच नहीं हो रहा है तो एक भी रो उठ के नहीं आएगा रान में ठीक है ना रान वेरिएबल में और अगर मैच हो रहा है एक रो उठ के आएगा एक ही आएगा ज़्यादा तो नहीं आएगा अगर मैच हो रहा है तो एक रो उठ के रान वेरिएबल में आएगा है कि नहीं तो हम लोग बस यही चेक करेंगे रान वेरिएबल जो है ये वेरिएबल जो है इसमें कितना रो आ रहा है या तो रो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है हम लोग को इसमें रो आया कि नहीं आया वो तो क्या यूजर नेम डालेगा यूजर डाले उसके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन कोडिंग तो पहले करना पड़ेगा तो अभी हम लोग को और एक फंक्शन यूज करना है कि ये चेक करना है रन वेरिएबल में कितना रो आया आया कि नहीं है जो भी हो तो उसके लिए मैं और एक यहां पे फंक्शन चलाता हूं डॉलर रो नाम से और एक मैंने वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने क्या किया माई एसक्यूएल और एक मैं फंक्शन चला रहा हूं यहां पे माई एस्व अंडर स्कोर नाम अंडर स्कोर रोज यह क्या करता है यह फंक्शन किसी भी वेरिएबल में कितना नंबर ऑफ रोज है उसको काउंट करता है तो यहां पे यह वेरिएबल कौन सा होगा डॉलर रन होगा ना तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे डॉलर रन तो ये जो फंक्शन है इस रन वेरिएबल में कितना रो आया उसको काउंट करेगा और काउंट करके कहाँ रखेगा उसको डॉलर रो वेरिएबल में रखेगा समझ में आ रही बात देखो तो ये फर्स्ट टाइम के थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बाद में जब कोई भी तुम एप्लीकेशन डेवलप करेगा ना यही प्रोसेस है यही यूज़ करना पड़ता है कॉन्सेप्ट यही होगा कुछ भी तुम डाटाबेस से जुड़ा हुआ कुछ भी एप्लीकेशन बनाओ तुमको यही सिमिलरिटी ऑफ कोड यूज़ करना है तो इसमें फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन जब दो तीन बार करोगे इसको यही यही चीज़ यूज़ होगा ठीक है ना तो अभी डॉलर रो में क्या आ गया अगर मैच हुआ तो रो आएगा अगर मैच नहीं हुआ तो काउंट क्या होगा जीरो होगा रो काउंट कितना होगा जीरो और अगर मैच हुआ तो रो काउंट मोर देन जीरो मतलब वन होगा या तो वन से ज्यादा होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे कि इफ अगर रो एक से कम हुआ तो मतलब रो आया ही नहीं मतलब मैच नहीं हुआ अगर रो एक से कम हुआ एक, एक भी रो नहीं आया तो मतलब क्या मैच नहीं हुआ तो कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे इफ डॉलर रो स्मोलार देन वन अगर एक से कम हुआ मतलब रो आया ही नहीं तो मुझे ये वाला कोड चलाना है रो आया ही नहीं इसका मतलब क्या यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला गया है यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला गया है तो मैं एक मैसेज शो करा दूंगा वहीं पे मैं चाहता हूँ कि किसी ने अगर यहाँ पे गलत यूजर नेम पासवर्ड डाला तो अगर अगर बटन प्रेस किया तो यहीं पे मैं उसको मैसेज शो करा दूंगा कि गलत यूज़र नेम पासवर्ड है ठीक है तो रो दिन वार मतलब मैच नहीं हुआ गलत डाला गया तो मैं यहाँ पे एक मैसेज शो कर दूंगा तो मैसेज तुम कैसे करोगे समझ लो मैं ऐसे भी कर सकता हूं इको करके लेकिन मैं अभी दूसरा तरीका तुम्हें को बोलूंगा इको रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे समझ लो दे दिया ठीक है रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड इको करवा दिया मैंने समझ में आ रहा है बात एक बार रन करके देखो रीलोड करते हैं देखो कुछ आ, यहाँ पे सिंटेक्स इरोर डॉलर रो ट्वेंटी फाइव हाँ अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने सेमी कॉलोन यहाँ पर नहीं दिया ठीक है सेव कर लेंगे इसको फिर से रन करेंगे तो देखो पहले से आ गई है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन और पासवर्ड भी मैंने क्या दे दिया समझ लो एडमिन लेकिन एडमिन का पासवर्ड क्या है एडमिन वन टू थ्री है तो लॉग इन करता हूँ तो मैसेज पहले से वही मैसेज आ रहा है लेकिन अगर मैंने सही डाला सपोज़ एडमिन वन टू थ्री तो मैसेज नहीं आ रहा है लेकिन सही डाला तो मैसेज नहीं आ रहा है गलत डाला तो मैसेज आ रहा है ना मैंने यूज़र नेम दे दिया वन टू थ्री या तो मैंने लिखा समथिंग कुछ ऐसे ही लिख दिया मैंने गलत पासवर्ड रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड तो सही डाला क्या होना चाहिए अगर गलत डाला तो ठीक है मैसेज आएगा लेकिन सही डाला तो एडमिन डैश पेज ओपन होना चाहिए ठीक है ना तो ये जो मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवाई ये सही तरीका नहीं है मैं एक अलग सा पॉपअप विंडो डिस्प्ले करवा के उसको मैं मैसेज देना ऐसे नॉर्मल होता है कि नहीं हम लोग जब लॉग इन फॉर्म में करते हैं तो एक अलग सा विंडो आता है तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्ट इको ना करते हुए इसी मैसेज को ही मुझे शो करवाना है लेकिन इको ना कर इको नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जबा इसक्रिप्ट का तो मैं बाद में तुम लोग को समझाऊंगा अभी जस्ट जान लो और जा, स्क्रिप्ट जब जबा जब, जब 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 का जब जबा इसक्रिप्ट यूज़ करेंगे ना वो पी के अंदर नहीं होता है जवाह स्क्रिप्ट का जो कोड है वो एस में लिखा जा सकता है लेकिन पी एच पी अंदर नहीं होगा इसलिए पी एच को मुझे यहीं पर क्लोज करना है समझ मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ये पूरा का पूरा पी का कोड चल रहा है ना यहाँ पे मेरा मेरा पी स्टार्ट हुआ मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया पी पी का कोड को ये, ये सब तो पी का पार्ट है ना ये सब ये काली ब्रैकेट ये 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 दोनों तो पी का पार्ट है ना तो ये दोनों तो पी का पार्ट है इसको पी के का अंदर रखना पड़ेगा तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह समझ में आ रहा है कुछ मतलब ये जो कोड है यहाँ से कंटिन्यू चलेगा बाद में ये जो कोड बस इस इस एरिया पे मुझे एक मैसेज शो करवाना है इसीलिए मैंने पी खत्म पी का स्कोप को यहाँ पे ख़त्म करवा दिया यहाँ पे शुरू किया फिर से क्योंकि ये सब तो पी के अंदर आएगा ना तो यहीं पे मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है इसीलिए मैंने ये किया समझ में आ रहा है कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड में लिखना है वो पी के अंदर नहीं आएगा इसीलिए मैंने उसको ख़त्म किया वहाँ पर और यहाँ पर उसको अलग से शुरू कर दिया और इसके अंदर मैं एक जावा स्क्रिप कोड लिखूंगा कोड क्या है स्क्रिप्ट लिखना है मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट ठीक है एंड ये अभी टाइप लिखने की जरूरत नहीं है मुझे हाँ लिख सकते हो ऐसे कोई बात नहीं, नहीं।, नहीं। लिख चलेगा ये और यहाँ पे हम लोग अभी स्क्रिप्ट लिखेंगे अभी तुम लोग जबा इसकी पता नहीं है जस्ट मैं कोड लिख देता हूँ ए जी से हम लोग नोट डाउन कर लेना उसको यहाँ पे हम लोग करेंगे अलर्ट मैसेज शो करवा देंगे एक एक इसमें एक फंक्शन है अलर्ट जबा इसक्रिप्ट में इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं मैसेज शो करवाते हैं तो वही मैसेज मैं यहाँ पर लिख दूँगा रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है यही मैसेज मैंने यहाँ पे शो करवा दिया इसको सेव करेंगे देखो इसको रन करेंगे रॉन्ग यूज नेम पासवर्ड कहाँ गया हाँ सेव किया मैंने इसको अभी रन करेंगे फिर से कुछ डालो जैसे मैंने यही डाला और पासवर्ड मैंने लॉग तो इस तरह से आ रहा है समझ में तो आ रहा है ना तो ये जावा इसके थोड़ा आ रहा है यहाँ पे रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड ओके Clear? कौन सा रहा है और अगर अगर सही हुआ तो अभी तो मैंने गलत का डाला है तो सही हुआ तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा तो देखो मेरा स्किप का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है जो कि मैंने पी का बाहर लिखा फिर से यहाँ पे मेरा पी शुरू हो गया और मेरा यहाँ पे यह चल रहा था ना ये इसका स्टार्ट था और ये इसका क्लोज तो इसके ठीक बाहर लिखेंगे एल्स वाला स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि यहां से यहां तक तो इफ का ए, ए, मतलब इफ का चल रहा था अभी एल्स का चलेगा एल्स अगर सही हुआ अगर गलत हुआ तो रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड और अगर सही हुआ तो इफ डॉलर अंडर स्कोर रो स्मोना देन वन मतलब गलत और अगर ग्रेटर मतलब स्मोल देन वन नहीं है तो मतलब एक रो आया वहां पे, रो आया तो क्या करना है वो एडमिन डैश पेज को ओपन करवाना है कुछ समझ में आ रहा है तो यहां पे हम लोग एडमिन डैश पेज को ओपन कराने के लिए यहां पे लिखेंगे हम लोग लोकेशन एल ओ सी एक्स ना तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अगर सही हुआ तो उसको एडमिन डेस्क पेज तक फॉरवर्ड कर देंगे मतलब वहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन एल ओ सी ए टी आई ओ एन लोकेशन ओ सॉरी लोकेशन लिखने से लोकेशन जो लिखना है ये मुझे यहाँ पर एक फंक्शन आएगा फंक्शन का नाम हो गया हेडर फंक्शन फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे एक फंक्शन आएगा फंक्शन का नेम है हेडर ठीक है हेडर फंक्शन में हम लोग क्या पास करेंगे हेडर फंक्शन क्या करता है मतलब हेडर फंक्शन किसी दूसरे पेज तक लेके जाता है सिंपल सा बात है यहाँ पे ठीक है तो कौन सा पेज तक लेके जाएगा उस पेज का लोकेशन मुझे डिफाइन करना है यहाँ पे तो वो पेज कहाँ पे है एडमिन डैश पेज कहाँ पे है एडमिन फोल्डर के अंदर है कि नहीं तुम्हें तो पता है ना एडमिन फोल्डर के अंदर ही है ये एडमिन डैश दो पेज है इसको मैं रीनेम करके यहाँ से कॉपी कर लूँगा ये एडमिन फोल्डर के अंदर है तो डायरेक्ट तो नहीं है तो लोकेशन एडमिन स्लैश एडमिन डैश डॉट पी एच पी ओके लोकेशन एडमिन स्लैश एडमिन डैश डॉट पी एच पी पेज मतलब अगर गलत अगर सही हुआ एल्स अगर सही हुआ तो उस पेज तक लेके जाए तो इसको सेव करते हुए हम लोग चेक करेंगे अभी फिर से इसका कौन टू हाँ अच्छा अच्छा हाँ एच ई ए डी ई आर हेड आर ओके तो चलो देखते हैं अभी सही डालते हैं हम लोग एडमिन एडमिन वन टू थ्री लॉगिन करेंगे uh, कुछ गलत हुआ है अनएक्सपेक्टेड माई स्क्वेलोर सिक्सटीन इसको तो देखो फिर से करते हैं अभी हम लोग कोडिंग मेरा वही है ठीक है uh, कुछ नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे था एडमिन डैश पेज पे था ठीक है यहाँ पे वही कोडिंग रहेगा पेज को फिर से रन करेंगे हम लोग अब इस बार लॉग जैसे मैं स्टूडेंट एमएस में जा रहा हूँ ठीक है एक बार शुरू से करते हैं हम लोग इसको स्टूडेंट एमएस ठीक है यहाँ पे एडमिन लॉगिन फिर पहले तो मैं करता हूँ गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ ठीक है पहले मैंने यहाँ पे एडमिन के जगह पे पासवर्ड में डाल दिया वन टू ए बी सी डी में डाल दिया तो ये गलत यूज़र यूजान पासवर्ड हो गया तो लॉग करने से आ रहा है रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड ओके ओके करेंगे फिर इस बार हम लोग सही पासवर्ड डालेंगे यूजर नेम पासवर्ड तो होना क्या चाहिए सही यूज़र नेम पासवर्ड डालने से वो एडमिन डैश तक चला जाना चाहिए तो इसमें डालते ही तो लॉग इन करेंगे तो ये देखो एडमिन डैश पेज तक आ चुका है एडमिन डैश तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेज कोडिंग कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर पे, लॉग पेज का तो यहाँ पे हम लोगों ने एडमिन डैश पेज तक सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया लेकिन यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लॉगिन करके आना और डायरेक्ट आना दो अलग बात है ठीक है तो जैसे मैं अभी क्या बोला कि समझ लो कि मैं इस पेज तक डायरेक्ट आ रहा हूँ अभी मैं लॉगिन करके कर आ रहा हूँ एडमिन डैश पेज तक एडमिन लॉगिन में जाते हुए सही से यूज़र नेम पासवर्ड डालते हुए मैं इस पेज तक लॉगिन करके कर आ रहा हूँ ठीक है एडमिन डैश पेज तक लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को इसका यू पता है किसी को अगर इसका यू पता है तो बिना लॉगिन किए ही डायरेक्ट आ सकता है जैसे मैं इसी जैसे इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ ठीक है इससे इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ किसी को समझ लो इसका यूआरएल पता है तो उसने लॉगिन नहीं किया डायरेक्ट वो एडमिन डैश पेज को एक्सेस कर पा रहा है तो इसके लिए हम लोग सेशन क्रिएट करेंगे सेशन के थ्रू इसको ठीक करेंगे तो वो बाद में करेंगे पहले एंड और एक बात है और एक बात है अच्छा वो बाद में बोलेंगे जब मैं सेशन के थ्रू कराऊंगा जब जब समझ लो एक बार किसी ने लॉग इन कर दिया समझ लो एक बार किसी ने लॉग इन करते हुए एडमिन डैश पेज तक पहुंच गया उसको सेकंड टाइम लेकिन लॉग इन करने का जरूरत नहीं पड़ता है ऐसा होता है कि नहीं जब तुम लोग अपना फेसबुक में अपना लॉगिन करते हो तो वन टाइम ही लॉगिन करते हो ना बार बार लॉगिन करते हो क्या मतलब वो तुम्हारा वहाँ पे एक रिकॉर्ड रहता है तुमने सपोज़ फेसबुक पेज को क्लोज़ कर दिया फिर नेक्स्ट टाइम खोला मतलब तो सिस्टम का बात नहीं बोल रहा हूँ उसी उसी टाइम जैसे तुमने अभी मैंने फेसबुक को पेज ओपन किया थोड़ा समय बाद फेसबुक ब्राउजर को मैंने क्लोज करते हुए फिर से उसी ब्राउज़र में जाते हुए मैंने फिर से फेसबुक पेज को ओपन किया तो मुझे बार बार लॉगिन का मुझे ऑप्शन नहीं मिलता है ना तो एक सेशन एक्टिव रहता है तुम्हारा देखो पे होगा जब हम लोग कोई लॉग जब कोई लॉगिन करेगा उसको सेकंड टाइम लॉगिन करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो लेकिन किसी ने लॉगिन किया ही नहीं बिना लॉगिन के वो मेरा डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहता है तब उसको नहीं दिया जाएगा इसके से फर्स्ट टाइम के लिए उसको वेरीफाई करना ही पड़ेगा तो वो तो सेशन के थ्रू ही होगा वो बाद में करेंगे हम लोग उसको ठीक करेंगे ये सब चीज़ें अभी अगला स्टेप ये हो गया कि यहाँ पे इस पेज में आने के बाद यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ हम लोग क्या कर देंगे उसको, उसको यूज़र को कुछ ऑप्शन देंगे मतलब एडमिन के लिए होगा ये पेज ये नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं एडमिन के लिए तो एडमिन के लिए कुछ ऑप्शन देंगे कि स्टूडेंट ऐड करने के लिए स्टूडेंट डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड मॉडिफाई करने के लिए कुछ तीन ऑप्शन डाल देंगे यहाँ पर तो उसको कैसे डाला जाए एडमिन पेज तक जाएंगे हम हम लोग कहाँ पे जाएंगे एडमिन डैश पेज तक और यहाँ पे भी हम लोग टेबल के फॉर्म में टेबल बनाते हुए ये सब चीज़ें टेबल के फॉर्म में बनाना बेहतर होता है ठीक है और वही लगा देंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे सबसे पहले टी एच लगा देंगे हेडिंग लगा देंगे और, और टी आर सॉरी हाँ टी आर होगा ठीक है तो पहला टी आर में पहला टी एच आएगा इसमें क्या होगा पहला टी एच में तुम्हारा नंबरिंग करके देंगे जैसे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है जैसे बोलेंगे कि एड स्टूडेंट ठीक है एड स्टूडेंट ठीक है ना तो इस तरह से हम लोग तीन रो बना देंगे यहाँ पे तीन रो सेकेंड एंड थर्ड और यहाँ पे बोलेंगे डिलीट स्टूडेंट ओके डिलीट स्टूडेंट और थर्ड बोलेंगे मॉडिफाई हाँ एड स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा इसको ठीक से लिख देंगे डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड ओके और मॉडिफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव करेंगे इसको और यहाँ पे इसको रिलोड करेंगे कुछ इस तरह से तीन ऑप्शन आएगा और ये साइड में आ रहा है इसको हम लोग बीच में लेके जाएंगे टेबल को एलाइन सेंटर कर देंगे टेबल को अलाइन सेंटर ठीक है तो एडमिन डेस्ट पेज में आने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा हम लोग को ऑप्शन एड स्टैंड रिकॉर्ड अभी ये कुछ नहीं अभी जस्ट टेक्स्ट है इसमें बात है हम लोग लिंक डालेंगे हम लोग अभी सिंपल टेक्स्ट है इसमें लिंक दिया जाएगा लिंक में क्लिक करते ही अलग से एक ओपन होगा ठीक है तो ये जो है एंड ये टेबल को तुम थोड़ा इसमें थोड़ा इसका अलग से एक कलर दे दो मैंने इसका बीच ही कलर लगा दिया समझ लो स्टाइल लगाता हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल के थ्रू मैं थोड़ा अलग सा कलर पे दे जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने यहीं से कलर कोड पिकर से उठा लो एक कलर तुम कलर कोड पिकर से कोई एक कलर मैं ले लेता हूँ थोड़ा अलग से आएगा था फिर इसको थोड़ा हम लोग हल्का सा इसको डार्क में लेके जाएंगे ठीक है डार्क नहीं थोड़ा लाइट में लेके जाएंगे इसको हम लोग कॉपी करते हुए इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे पेस्ट कर दो ये सेव हो गया तो इसका कलर थोड़ा अलग से आएगा बस वही बाकी कुछ नहीं है ठीक है इसका कलर थोड़ा अलग से आएगा तो अभी यहाँ पे एड स्टैंड रिकॉर्ड डिलीट स्टैंड रिकॉर्ड मॉडिफाई स्टैंड रिकॉर्ड अभी तो ये जस्ट सिंपल टेक्स्ट शो हो, हो रहा है बाद में इसमें लिंक डाला जाएगा और लिंक में क्लिक करते ही स्टूडेंट एड करने के लिए एक अलग सा पेज ओपन करेंगे डिलीट करने के लिए अलग सा पेज ओपन करेंगे मॉडिफाई करने के लिए अलग सा पेज ओपन होगा ठीक है तो कौन सा में आ रहा है ना पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे चलेगा धीरे धीरे एक एक करके तो इसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा अभी हम लोग को तो इसके हिसाब से हम लोग को एड स्टूडेंट का एक पेज बनाना होगा डिलीट स्टूडेंट का एक पेज बनाना होगा और मॉडिफाई स्टूडेंट के लिए एक और एक पेज तो तीन पेज हम लोग अभी आज ही कर लेते हैं बाकी थोड़ा इसको आ, काम को थोड़ा आगे लेके जाते हैं हम लोग तो इसी पेज को मैं कॉपी करते हुए इसी पेज को मैं यहाँ पर तीन बार पेस्ट कर दूँगा एक दो तीन ठीक है तो किसी एक को बनाएंगे हम लोग क्या एड स्टूडेंट नाम से एक पेज बनाएंगे ठीक है ना डॉट पी एच पी फिर बनाएंगे डिलीट स्टूडेंट नाम से और एक पेज बनाएंगे और मॉडिफाई या तो अपडेट कुछ भी लिखो स्टूडेंट तो तीन पेज हो गया अभी हालांकि तीनों पेज में सेम कोडिंग रहेगा मुझे चेंज करना होगा इसको ठीक है और ये जो है यहाँ पे तुम क्या लगा दो इसमें एंकोटेक लगा दो पता है ना एंकोटेक से क्या होगा ये एक लिंक बन जाएगा ठीक है और एंकोटेक में हम लोग किसका लिंक देंगे इसमें Uh, इसका लिंक लेंगे हम लोग एड स्टूडेंट का रिकॉर्ड ठीक है ना हाँ एड स्टूडेंट डॉट पी एच पी सेव करके देख लेते हैं हम लोग इसको एक बार तो अभी ये लिंक बन चुका है इसमें क्लिक करते ही आ जाएगा सेम पेज क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने सेम पेज कोड कर कॉपी कर दिया था ना तो तुम जस्ट कुछ कॉमन चीज़ों को यहाँ से हटा दो जैसे मैं यहाँ से स्टूडेंट में जाते ये सब को मैं डिलीट कर दूंगा और यहां पे लिखूंगा ये एडमिन डैश नहीं होगा यहां पे लिखूंगा मैं एड स्टूडेंट ये कौन सा पेज होगा एड स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला पेज होगा ठीक है उसी तरह इसको सेव कर लेंगे और एक सेकेंड पेज जो है कौन सा ये डिलीट स्टूडेंट पेज वाला इसमें भी ये सबको हटा देंगे हम लोग और यहाँ पे डैशबोर्ड को हटाते हुए क्या लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड और थर्ड जो है उसको भी कर लेंगे मोडीफाई स्टूडेंट इसमें भी ये सब को हटा देंगे बाद में टेबल ज़रूरत पड़े तो बना लेंगे हम लोग ठीक है फिलहाल पेज को हम लोग डिफाइनशियन करते हैं हम लोग मोडीफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड ठीक है ना हो गया सेव कर लेंगे इसको और यहाँ से इसको फिर से एक बार इसको बैक करेंगे रिलोड करेंगे अच्छा ये सब ये दोनों के लिए मैंने लिंक किया नहीं डैश में जाके हुए एडमिन डैश में जाते हुए यही चीज़ को कॉपी कर लो कॉपी यहाँ पे पेस्ट इसको भी यहाँ पे पेस्ट और इसको भी यहाँ से उठा लो कॉपी पेस्ट समझ में आ रहा है और यहाँ पे एड के जगह पे होगा डिलीट और यहाँ पे मॉडिफाई, हो गया सब कुछ रिलोड करते हैं सबसे पहले फिर से करते हैं हम लोग स्टूडेंट एडमिन लॉगिन पासवर्ड डालेंगे सही पासवर्ड वन टू थ्री लॉगिन यह आ जाएगा ठीक है और इसमें ए स्टैंड में क्लिक करने से क्या होगा ये वाला पेज ओपन होगा अगर डिलीट स्ट में पेज किया तो ये पेज ओपन होगा और अगर मॉडिफाई स्टैंड में क्लिक किया तो मोडिफाई स्ट्रेन रिकॉर्ड वाला पेज ओपन होगा ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ तक रहने दो तो बाकी अगला क्लास में ये सब एक एक करके कंटिन्यू करें करेंगे दो तीन क्लास लगेगा और इसमें ख़त्म हो जाएगा उसके बाद होगा Ah, ama koru